हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, नहीं 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 मैं फैजा आ बैठो, हाँ यस जी जी, नहीं नहीं मेरा मसला सिर्फ इतना सा है कि मैं इस वक्त जो है ना बहुत ज्यादा ऑर्डर ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आपके दादा नहीं मरेंगे तो आप मर जाएंगे, दादा मरेंगे तो आपको जायदाद मिलेगी, आई नो दैट ठीक है फिर मिलते हैं, हाँ थैंक यू, और कोई कॉल आ रही है फिर आपसे मिलता हूँ, ओके बाय, थैंक यू बाय। फाइल निकालने जो क्लाइंट्स किए, हेलो हाँ जी क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम जी, ना ना एक्चुअली वो तस्वीर आपने भेजी है ना वो ना नहीं वो प्रोफाइल है, यू नो साइड पोज है तो वो बन नहीं सकती है, फ्रंट की चाहिए ना, वरना वो एक साइड से मर जाएंगे एक साइड से जिंदा रहेंगे, आपके किस काम के, आधा दफना नहीं सकते, राइट तो एडवांस का क्या बनेगा आज, ओके बाय थैंक यू, मैं आपको रिंग बैक कर, बाय। ओ मेरे खुदा, दोनों कान मेरे पक चुके हैं, फायदा इतना काम और इतना, ये क्या चीज है, ये कुछ कागजात पे साइन कर रहे थे, ओ रियली मैं कर देता हूँ दो मिनट में, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात आप बताइए, शराफत यार मैं क्या हुआ, क्या वालदा का इंतकाल हो गया, नहीं यार मैं ये बता रहा हूँ कि परेशानी क्या है यार, फैजा आप एक काम कीजिए, जो हमने इंटरव्यू के लिए लड़कियां बुलाई आज इश्तिहार के जरिए जो आई है देख लीजिए कितनी है और उसमें से सिलेक्ट कर लें और फिर मुझे सिचुएशन बताएं क्या है, थैंक यू। अब आप बैठिए, इसी रखिए यार, शराफत मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार, तेरी जिंदगी पहले कौन सी आबाद थी भाई, साइकिल थी तुम्हारे पास, गद्दी नहीं थी उसमें, पिछला व्हील नहीं था, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी थी याद है ना, गन्ने का रस पीसते थे पूरा ग्रास तुम खरीद के, तो फिर तुम्हारी क्या जिंदगी थी, क्या थे तुम, आज तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम कह रहे हो ये मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यार सब कुछ है तो क्या फायदा, मैं तो बाहर निकल ही नहीं सकता, सब लोग मुझे मनहूस मनहूस कहते हैं, तुम हो ना मनहूस, तुम मनहूस हो, तुम्हें मनहूस करार दे दिया गया है, तुम्हें क्या पता तुम पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है मनहूसत की, अरे 500 आदमी मेरे शहर में घूमते हैं 200 रुपए रोज लेते हैं, सिर्फ तुझे दूर से मनुष्य मनुष्य कहते हैं, ट्रेनों में जहाजों में गाड़ियों में हर जगह मेरे बंदे घूम रहे हैं तुम्हें मनुष्य कहने के लिए, तुम्हें मनुष्य साबित करने के लिए, तुम्हें देख के गिर जाते हैं नालियों में गटरों में कि ये मनुष्य देखा मैं गिर गया, और कैसे यकीन दिलाएं, तुम मनुष्य हो तो हमारा बिजनेस चल रहा है, तुम मनुष्य हो यार, इतनी ढेर सारी तस्वीरें जमा होगी, तस्वीरें तो मैं बना लूंगा, लेकिन ये सब लोग मरेंगे कैसे यार, तुमसे मैंने कहा कि तुम मर्डर करोगे तुम कत्ल करोगे, कुछ कहा है ऐसी बात नहीं, ये सब मेरे दिमाग में है, प्लान है, मैंने इसके लिए स्टाफ रखा हुआ है और आज भी लड़के इंटरव्यू के लिए बुलाई हैं ताकि एक डिपार्टमेंट अलग काम करे कि कौन बंदे कैसे मर रहे हैं कहां मर रहे हैं, वो सब कुछ हम अपने खाते में डालेंगे, समझ रहे हो ना बात को, हाँ, समझ रहा हूं, अगर ट्रेन कहीं उलट गई तो हमने कहना हमने ट्रेन की तस्वीर बनाई थी इसलिए उलट गई, लेकिन अगर हकीकत का पता चल गया लोगों को तो फिर तो क्या होगा, क्या होगा, हमें लोगों की हकीकत का पता नहीं चल रहा, पूरा शहर खुल के सामने आ गया, हर आदमी आ रहा है, मेरे अब्बा की मेरे चाचा की मेरे नाना की मेरे दादा की तस्वीर बना दो, जायदाद चाहिए, बंटवारा हो जाए, जल्दी मर जाए, जान छुटे, इनके राज हमारे पास नहीं आ रहे क्या, फिर ये हमारी राज और हमारी हकीकत जानने के बाद हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है वैसे तुम भी अपने दिमाग पे कुछ धार वार लगवाओ, जहां पे कैंची छुरियां तेज होती है ना वहां जाकर के कस्टमर के सामने कि तुम मौत की तस्वीर बनाने वाले हो, वो चेहरा कैसे रखना है वो भी देख लो, बनाओ मौत का चेहरा, खौफनाक, खौफ लाओ, तुम तो अपने लिए खौफ ला रहे हो, लोगों के लिए खौफ लाओ, फिरौनियत, अच्छा फिरौनियत लाओ, हाँ कमान फिरौन वाले एक्सप्रेशन, आओ हाँ इसी तरह बाहर निकलो, जाके अपने कमरे में ऑपरेशन मेंटेन करो, नन्ने ने सर को क्या से क्या बना डाला, बार बार देखने को दिल चाहता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, काश काश इसका बाप भी जिंदा होता और इसकी तरक्की को देखता, भाई वाह, खाने के टेबल पे मोमबत्तियां रख दी, वो मोमबत्तियां जो फिल्मों में रूहें लेके घूमा करती थी, बताओ वो देखो दरख्त हटा दिया और दरख्त की जगह टीवी लगा दिया, दरख्त तो कुछ नहीं बोलता था, टीवी बोले चला जाता, बोले चला जाता,
आई भाई, एक तो ये फारूकी के रास्ते में मोमबत्तियां लगा दी, वक्त को मुजार बना देता। तशीव रखिए बैठे। मेरे पास भी है। एक्सक्यूज मी, चश्मा उतार दीजिए। आप खुद ही नजर उतार दीजिए। देखिए, नजर नहीं, चश्मा उतार दीजिए, इससे आप बिल्कुल अहमक लग रही हैं। चश्मा उतारने के बाद तो अब आप मुझे अहमक लग रहे हैं। ये तो देखे ना, अब आप चश्मा लगाइए, चश्मा लगाइए, प्लीज लगाइए चश्मा। थैंक यू। देखिए, आपको चंद सवालात के जवाब देने होंगे। जी, किससे पैसे लेने होंगे? वाकई में कमजोर है। देखिए, पैसे लेने नहीं होंगे, आई थिंक के आपको कम सुनाई देता है। जी नहीं, बिल्कुल सही दिखाई देता है। श्योर हो गया, बिल्कुल कंफर्म हो गया। आपने कभी झूठ बोला है? कभी फ्रूट नहीं तोला। एक्सक्यूज मी, गौर से सुनिए, आपने कभी झूठ बोला है? मैं झूठ बोलने वाले पर लानत भेजती हूँ। मैं तो कभी झूठे के घर भी नहीं गई, क्योंकि झूठे पर खुदा की फुटकार होती। देखिए, आप जो हमने इंटरव्यू के लिए शरायत रखी हुई है उसमें आप पूरी नहीं उतर रही है, तो आप जाइए। आप ना आइए, आप जाइए, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू वेरी मच जी, बाय। सारे चश्मे गिन के रख ले और एक दूरबीन भी ले ले, आपको अगले हफ्ते उसकी जरूरत पड़ेगी। बाय। मेरी लड़की कान खराब, हमारा दिमाग खराब। हेलो फायजा, ये तुम्हारी नजर में लड़की जो थी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी, और ये गुड लुकिंग भी थी, और स्मार्ट भी थी, और बहुत एक्टिव थी। हाँ, क्या कर रही हो भाई तुम ये? सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए, शिफ्ट आइए। थैंक यू। आपका नाम? हैनी। बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। थैंक यू। यानी हमारे पास जो नौकरी है, मेरी जॉब है, वो सेक्रेटरी की है। नो प्रॉब्लम, आई विल डू इट। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इम्तिहान देना होगा। मतलब ये साबित करना होगा आपने कि इस नौकरी को आपके सिवा कोई कर नहीं सकता, तो इसे कैसे साबित करेंगे? सर, आप मुझे एक मिनट दें और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि यहाँ जितनी लड़कियां बैठी हैं उन सब में से बेहतर मैं हूँ। मैं आपको दो मिनट देता हूँ। एक्सक्यूज मी, बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी लेडीज, आप लोग अपना टाइम जाया ना करें, क्योंकि मैं आपको ये इत्तला देना चाहती थी कि अंदर इंटरव्यू में मैं सेक्रेटरी सिलेक्ट हो चुकी हूँ। थैंक यू, बाय। वेरी गुड, यानी कि वाकई तुमने साबित कर दिया कि तुम इस नौकरी की हकदार। और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि तुम बड़े कमाल तरीके से झूठ बोल लेती हो वक्त पड़ने पर। सर, आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरी तमाम सलाहियतों का पता लग जाएगा। मुझे लगता है मुझे काफी पता लग जाएगा। वैसे एनी, एक बात आपसे पूछनी थी। जी सर। कि आप तनख्वाह कितनी लेंगी? बस तनख्वाह वो जिसमें आपको देते हुए शर्मिंदगी भी ना हो और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाए। कोई शरायत वगैरह तो नहीं है आपकी? सर, अभी मैं शरायत मनवाने की पोजीशन में तो नहीं हूँ ना, अभी तो मैं जरूरतमंद हूँ। ये जिस घर में आप रहती हैं, आपका जाती है? कहाँ सर, हर महीने मालिक मकान आके अपनी जात दिखाता है। सर, वैसे आपके दफ्तर में काम क्या होता है?
काम क्या होता है काम? हम लोग इंसानों की फलाह बहबूद का काम करते हैं। यू नो के इंसानों को इंसानों के असली चेहरे दिखाते हैं कि हकीकत क्या है, उसके अंदर की मुनाफिकत को बाहर करके मार देते हैं, उसको अच्छा आदमी बना देते हैं। ये करते हैं हम लोग। सर मैं नेक मकासद में जरूर आपका साथ दूंगी। थैंक यू। वैसे सर अगर आप माइंड ना करें पर्सनल बात पूछूं? हाँ हाँ शुरू करें आप, पर्सनल बातें आप शुरू करें। सर आपकी शादी हुई? वैसा है यानी कि अब मेरी शादी हो जाएगी, मैं बिलीव कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी फैजा, देखो हमने एनी को जो है ना इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया, और दूसरी ये कि इनको सारा काम समझा दो। हाँ हाँ फारूकी से कह देना कि मैं लंच के लिए घर जा रहा हूँ। क्या नहीं बोल रही? वही अब अल्लाह ने हमारे चांद को दिया है ना, तो जिंदगी के सारे मजे ले लेंगे। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे मेरा बच्चा। कैसी अम्मा? अम्मा तेरी बहुत खुश। अम्मा घर में सब अच्छा लग रहा है? हाँ, बेटा बहुत। सारी चीजें पसंद आई ना? सब कुछ बहुत अच्छा। मगर बेटा ये फोन है ना, इसने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। अरे क्या अम्मा, ये तो बड़ी सहूलत की चीज है। आपको कभी मेरी जरूरत हो मुझसे बात करें तो फौरन कर सकती हैं। बेटा टी 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 करता रहता, अभी से हर वक्त हाथ में पकड़ रहा। मैं कपड़े धो रही थी ना मशीन में डाल के, तो साबुन की जगह मैंने इसको रगड़ दिया। मिस्टर फकी, क्या पराया आदमियों को लाने लगा? अम्मा ये पराया आदमी नहीं है, ये अपना पेंटर जो ऊपर रहता था किरायेदार फारूकी है। ये फारूकी है? अरे फारूकी जिसपे मेरे पैसे निकलते हैं। अम्मा माफ कर दो, माफ कर दो पैसे, अब ये और मैं मिलकर ही कारोबार कर रहे हैं। शमशाद भाई खुदा की कसम पॉलिश कर दिया इसके ऊपर। फारूकी वो जो तेरे कमरे में बत्तियां लटकी हुई है ना जंजीर के साथ, उन सारी बत्तियों के अंदर मैंने तेल डाल दिया। अरे ये निकल गया, वो फानूस के अंदर तेल डाल दिया। हाँ अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, बत्तियों के अंदर तेल नहीं डालूंगी तो बत्तियां जलेगी कैसे बताओ। बहुत आला। अरे बेवकूफो कोई बात समझ में ना आए ना, वो सेक्रेटरी है, वो नौकर है, वो वेटर है, उनसे पूछ लिया करो। जनाब खाना लग गया है। खाना लग गया है? अरे तो उसमें पानी डाल के चमचा चला, हांडी में निशान पड़ जाएगा बेटा। देख अम्मा खाना लग गया मतलब है खाना तैयार। क्या दिन आ गए चमचा, देख खा तू खाना। अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने हम गरीबों को ये रिज़्क। एक मिनट बेटा दुआ तो कर लो। अच्छा दुआ दुआ चमचा भाई हाथ उठाए दुआ कर दुआ। अय अल्लाह झूठ बोल के फ्रॉड करके किसी का दिल दुखाने वालों पे लानत भेज। आमीन। अय अल्लाह हराम की कमाई कमाने वालों पे ऐसी लानत भेज कि उनकी शक्लें गधे जैसी हो जाए। आमीन। उरा मेरे मालका सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमा। आमीन। या मेरे मालका जो हराम खावे या किसी को खिलावे वो पागल होकर मरे। आमीन। उरा मेरे मालका एक दुआ मेरी बेटी की तरफ से कि उसको ऐसा खाम नसीब फरमाना जो हलाल की कमाई करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना चकुप्ता तुम भी खाना खाओ, तुमने टिक्के की दुकान खोल ली। नहीं पहले आप खाना खा लो, आपको खाना खिलाना मेरा फर्ज है। जब बेटा नन्हे। हाँ जी। तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू काम क्या कर रहा है। मैंने आपके साथ बताया अभी था, मैं बंदे बाहर भेजता हूँ। बाहर भेजता? हाँ जी। कैसे? जिनको यहाँ नौकरी न मिलती चाचा उनको मैं बाहर भेज देता हूँ, जाके काम करते हैं। माशाल्लाह बेटा तो बहुत नौकरी नेकी का काम कर रहा है। हाँ। एक मिनट ये फारूक है जी। मैं तू क्या करता है बेटा? मैं बंदे ऊपर भेजता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं बता दूँ एक्चुअली ये दफ्तर में नीचे बैठता ना, मैं ऊपर बैठता हूँ, तो मैं इसको ऊपर से कहता हूँ फारूकी बंदे ऊपर भेजो। ये बंदे ऊपर भेज देता है। अच्छा। तो बताता यही है कि मैं बंदे ऊपर भेजता हूँ फारूकी। कहो कहो या अल्लाह मैं भी एक दुआ करूंगा, या मेरे मालिक हमारे बुजुर्गों को खामोशी से रोटी खाने की तौफीक अता फरमा। मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू शुरू कर ले। हेलो फाइज। हाँ
भेजो क्लाइंट को। प्लीज मोस्ट वेलकम, आइए तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। जो बात करनी है खुल के करें, कोई मसला नहीं है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ ये बताइए। आपके बारे में अखबार में पढ़ा, एक सहेली ने बताया, इसलिए आ गई। मेकअप को धोकर अपनी असली शक्ल के साथ अपने शौहर के सामने आना, वो हौसला वो रिस्क ये आप लोग ही ले सकती हैं। दुल्हन दुल्हन मेकअप किसके लिए करवाती है? जाहिर है ससुराल की इज्जत के लिए। डांस पार्टियों में जाती है किसके लिए? जाहिर है ससुराल की इज्जत के लिए। संडे के संडे दोस्तों के साथ कार्ड खेलती है किसके लिए? जाहिर है ससुराल की इज्जत के लिए। कुछ और ना कहिएगा मेरा दिल फट जाएगा। शराफत साहब, आप प्लीज मुझे इस अजाब से निजात दिलवा दीजिए प्लीज। आप कहिए ना, क्या काम क्या है, पूरा खुल के बताइए। ऐसा करते हैं कि आपकी सास की जुबान बना देते हैं, हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। वाह रे वाह, ना रहेगा बांस ना बजेगी, बांसुरी जुबान ही नहीं होगी तो बोलेगी क्या। लेकिन नहीं, अगर उनकी जुबान बंद हो जाएगी तो मैं लड़ाई किसके साथ करूंगी? अरे वाह, इनका भी एक प्रॉब्लम है, नया प्रॉब्लम। तुमने खामखा गलत बात कर दी। हजार जबान नहीं होगी तो आप किससे लड़ेगी? फ्रस्ट्रेशन वो कैसे निकलेगी दिल की भड़ास। एक काम करते हैं, हाँ आप आज कर देते हैं, एक तरफ बैठ रहेंगी कोने में। नहीं, अगर उनको आप आज कर दिया तो खिदमत भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ, आई एम सॉरी भाई, आपके ऊपर तो फिर बर्डन आ जाएगा ना, बोझ पड़ जाएगा। लेकिन इसका भी आइडिया है ना, एक काम करते हैं उनको आपाज कर देते हैं और उसके बाद उनको आप किसी खैराती इदारे को डोनेट कर दीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुआशरे में हमारी इज्जत है। हाँ। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? और जाहिर और आप सारे काम खानदान की इज्जत के लिए करती हैं। मैं फॉलो कर रहा हूँ इस बात को, आपको प्रॉब्लम तो है। ऐसा करते हैं कि आप मेरे सास को पागल कर दें। अरे वाह यार, क्या लड़की यार, क्या दिमाग है। ये ठीक है, ताकि वो अपनी सारी जायदाद, अपने सारे जेवरात, अपने सारे प्राइस बॉन्ड मुझे दे दें। एक्सक्यूज मी, हम सिर्फ तस्वीरें बनाते हैं जिससे लोग मर जाते। मेरी सास ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। मेरे शौहर मेरे लिए फूल लाया करते थे, उसने डॉक्टर से रिपोर्ट लिखवा के मेरे फूल बंद करा दिए कि उसके मोतिया के फूलों से एलर्जी है। मेरे शौहर मेरे लिए फ्रूट लाया करते थे, उसने डॉक्टर से कह के मेरा फ्रूट बंद करवा दिया कि उसकी शुगर हाई हो जाती है। मैं अपने शौहर के साथ वॉक पे जाया करती थी, उसने मेरी वॉक बंद करा दी है, अखबार की खबरें पढ़ पढ़ के शौहर को गोली लग गई, बीवी को उठा के ले गए और अब मैं वॉक पे भी नहीं जा सकती। सो सैड, जुल्म है ये, जुल्म है ये। यानी कि आप तो यूं समझ लीजिए कि जहन्नुम के एक वीआईपी पोर्शन में जिंदगी गुजार रही। देखिए आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपनी सास की मुकम्मल तस्वीर अब बनवा ही दें। हाँ, आप मेरी सास की तस्वीर बनाई डालें। फैसला कर ही लिया कि इस तस्वीर को तुम इस तरह बनवाओ। अरे समरीन, तुम यहाँ? तुम तो मेरे लिए डॉक्टर से नुस्खा लिखवाने गई थी। अम्मी जान, आप भी तो बाबा जी से मेरी सेहत का तवीज लेने गई थी। आप दोनों कहाँ कहाँ फिरती रहती हैं? आई मीन के आप दोनों एक दूसरे से वाकिफ हैं क्या? हाँ, ये मेरी सास मैंने भी आपसे जिक्र नहीं किया था। आप जो तारीफें कर रही थी, तारीफों को पुल बांध रही थी कि खुदा हर बहू को ऐसी सास दे, ये आपने फरमाया था। आपके बारे में इन्होंने लफ्ज ऐसे कहे हैं कि लफ्जों से खुशबू आई है आंटी जान। और मैं जिसका जिक्र कर रही थी, ये है मेरी बहू, इतनी खिदमत करती है कि क्या कोई बेटी करेगी। भाई यकीन कीजिए, आप दोनों ने मुझे हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, परेशानी में मुब्तला कर दिया। इतना परेशान हूँ कहाँ की तुम सिचुएशन को संभालो। बात क्या है कि आप जैसे लोगों को देखकर पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई नहीं, मैं समझता था मैं दुनिया में एक ही हूं अपने काम का माहिर, लेकिन नहीं, आप दोनों को मिलकर एहसास हुआ कि भाई माशाल्लाह हमारी तो पूरी फैमिली है। अम्मी है, भाभी है, भैया है, मैं हूं, हम लोग सब हैं।
देखिए मैं आपके बात कहूं कि आप लोग प्लीज इलेक्शन में जरूर हिस्सा लीजिएगा, जरूर हिस्सा लीजिएगा। आप लोग जिस हलके से इलेक्शन लड़ेंगी कोई माई का लाल वहां से जीत ही नहीं सकता। समरीन, मैंने सुना है यहाँ तस्वीरें बनाई जाती और जिन लोगों की तस्वीरें बनाई जाती है वो मर जाते हैं। तौबा तौबा तौबा। वाह, कितनी अच्छी तौबा की, एक दफा और कर लीजिए। मगर समरीन, तुम यहाँ कैसे आई? वो अम्मी जान, वो मैं हाँ ये हाँ मैं इसकी तस्वीर बनवानी है। ये मैडोना है, इतनी खूबसूरत, इससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है भला? अम्मी जान, ये अपनी सास की इज्जत नहीं करती, अपने अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती, अपने अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, और मैं ऐसी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अपनी सास की इज्जत ना करे, क्योंकि मैं सासों की अजमत को सलाम करती हूँ। मैं इसके लिए इसकी तस्वीर बनवाना चाहती हूँ ताकि ये मर जाए। बारे बा बारे बा बारे बा, क्या बात क्या बात क्या बात, बहू किसकी? अम्मी जान, बाय द वे, आप यहाँ क्या करने आएंगे? मैं इसकी तस्वीर बनवाने आई थी। माइकल जैक्सन? हाँ। लेकिन आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? अरे इस कमबख्त नहुसत मारे ने क्या तूफान मचा रखा है, सारी दुनिया को नचा दिया, बूढ़े बच्चे जवान सब। अपने घर में ही देख लो अपने बच्चों को, कैसे दिन से रात और रात से दिन तक नाचते रहते हैं। मैं इस तूफान बदतमीजी को बंद करवाने आई हूँ। क्या बात है, आप दोनों के ख्यालात गुफ्तार ने ये साबित कर दिया कि रूह जमीन पर सास और बहू से अच्छा रिश्ता कोई नहीं। समरीन, ये आमिर का कैसे आ गया यहाँ? नहीं अम्मी जान, मैंने तो इनको नहीं बताया था कि मैं यहाँ आ रही हूँ। आप दोनों यहाँ पे? हाँ, मुझे मालूम है कि तू अपनी बीवी के कहने पे मेरी तस्वीर बनवाने आया यहाँ। नहीं अम्मी जान, इनको मेरी शक्ल से नफरत है, ये मेरी तस्वीर बनवाने आया ताकि दूसरी को ला सके। मैं आप दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप दोनों एक दूसरे से जेलस हैं और दोनों एक दूसरे की तस्वीर बनवाने के लिए यहां पे आई हैं। मां के एहतराम, बीवी के हकूक की चक्की में पिस के रह गया हूं मैं। मां के पास जाता हूं तो बीवी के नखरे शुरू हो जाते हैं, बीवी के पास जाता हूं तो मां की बदुआएं शुरू हो जाती हैं, सालियों से हंस के बात करता हूं तो बहनें नाराज हो जाती हैं, बहनों से बात करता हूं तो सालियां मूड ऑफ कर लेती हैं। मेरी तो जिंदगी अजाब बना दिया तुम लोगों ने। मिस्टर शराफत, प्लीज आप आपके बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने सब कुछ बताया था। आप काइंडली मेरी एक तस्वीर बनाएं और इनसे मेरी जान छुड़वाएं, मैं बहुत बहुत मुश्किल में हूं। मैं समझ रहा हूं, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। मिस्टर फारूक है, अर्जेंट ऑर्डर है, इन्हें फौरी तौर पर मरना है, कल सुबह अखबार आने से पहले उसमें इनकी डेथ की इतला होनी चाहिए। शुरू कीजिए। मरने से पहले चेहरे पे स्माइल स्माइल, आखिरी मुस्कुराहट देख लीजिए, देख लीजिए, जिंदा आखिरी मरतबा देख लीजिए। नहीं बेटा, इसकी तस्वीर मत बनाओ, मेरी तस्वीर बना दो, मेरी तस्वीर बनाना जरूरी है। मैंने कभी इसको घर में चैन नहीं लेने दिया था, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी आदत बदल लूंगी। तू ना मर, तू मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी तंग नहीं करूंगी, आपकी माँ को अपनी माँ की तरह समझूंगी। मेरे बच्चों के सर पे मुझे साया चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो यार, या मैं कर दूं? ठीक है, अगर आज के बाद आप दोनों ने आपस में लड़ाई की तो मिस्टर शराफत जी, आपके पास मेरा आधा स्केच तो बन गया। हाँ, डेफिनेटली बन गया था यार। तो काइंडली जब मैं आपको टेलीफोन पे ये बात कहूं, हाँ, तो
तस्वीर कंप्लीट हो जाएगी ना प्रॉब्लम। सर वो मैं आपको बताना चाहती थी कि जिनकी आपने तस्वीर बनवाई थी ना उनका इंतकाल हो गया कल, और आज उनके अखबार में तस्वीर भी आ गई है। ये फैक्स कर दो और उनसे कहो कि काम हो गया, बाकी पेमेंट भेज दो। ओके सर, ओके। चलो चलो यहाँ से, ये तो बहुत खतरनाक जगह है। चलो आप लोग इस तरह करें कि गाड़ी में जाके बैठे, मैं अभी आता हूँ। चलो शराफत भाई आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने ऐन वक्त मुझे इत्तला कर दी और मेरे घर का बहुत बड़ा मसला हल हो गया। ये तो बैन अल-अक़वामी मसला है, सास बहू का झगड़ा। इत्तफाक ये हुआ जो आपके लिए गुड लक बन गया कि इन दोनों खवातीन ने एक ही एड्रेस लिखा, और फिर जब हमने मालूमात की तो आपके कुछ दोस्त हमारे दोस्त निकले और यूं अल्लाह की मेहरबानी से आपका घर बर्बाद होने से बच गया। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से कर दीजिए। सर थैंक यू वेरी मच। ओके नाइस टू मीट यू। थैंक यू, नाइस टू सी यू। थैंक यू, बाय। कमाल की फैमिली थी। ऐसी कहानी हर घर में होती है, सास बहू में ये झगड़े आम है, लेकिन इसका फायदा हम जैसे लोगों को होता है, पैसे भी मिल गए और किसी को मरना भी नहीं पड़ा। गुड। और तुमने वक्त पर आकर सिचुएशन को बहुत अच्छा संभाला। फायजा हो स्नैक्स। अरे यार छोड़ो, पर ना खाओ।